तो ये सेट बी है। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस केवल आगे पीछे होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैच होते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट, जिसमें मैं फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए इंग्लिश पेपर का सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुक पोर्शन का सॉल्यूशन नहीं करके, सबसे पहले मैं यहाँ 31 से लेकर 60 तक जो ग्रामर पोर्शन पूछा गया है, सबसे पहले मैं उसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। इसके बाद बुक पार्ट का भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 37 से जो क्वेश्चन आया है, जो ग्रामर पार्ट का है, मैं उसका पहले सॉल्यूशन करके आपको दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम बुक पोर्शन का सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ही सेड वेयर इज माई कार, तो इसका बनेगा ही आस्क्ड वेयर इज हिज कार वाज, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सर ये बना कैसे, तो इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आप लोग के लिए लेके आऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन मिला लें कि आपका कौन कौन सा सही है। तो ही सेड वेयर इज माई कार वाज, ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, ऑप्शन नंबर बी। सुनीता सेड टू मी थैंक यू, सुनीता थैंक्ड मी, सुनीता थैंक्ड मी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका कोई दूसरा में भी हो सकता है सुनीता थैंक्ड मी, तो आपका वही सही होगा, लेकिन सुनीता थैंक्ड मी ही सही होगा। मतलब अगर किसी सेट में ए के बदले सी में है सुनीता थैंक्ड मी, तो वहां पे सी होगा, लेकिन 38 में सुनीता थैंक्ड मी ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं कि कैसे बना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले ऑप्शन मिला लें। My father said to me go home, तो my father ordered me to go home, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। My father ordered me to go home, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा सेड आई नेवर ईट फिश, तो आशा सेड डैट सी नेवर एट फिश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स, पैसिव करना है, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स, तो वी आर टाउट फिजिक्स बाई मिस्टर सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, तो डज सी स्पीक भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी। डज सी स्पीक भोजपुरी, जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो सही होगा, डज सी स्पीक भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, तो टेक योर शूज शूज ऑफ, टेक योर शूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। आई हेल्प द ओल्ड वीमेन, द ओल्ड वीमेन, द ओल्ड वीमेन वॉज हेल्प्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर सी। माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज नोन टू मी, सी इज नोन टू मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है शीला लिप्स, शीला लिप्स विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। दिस रूम इज फुल ऑफ पीपल, ये रूम पीपल यानी लोगों से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीलस, जीलस का जो होता है ईर्ष्यालू, उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे है। फिर आप देख सकते हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट का हो गया सी टी ओ यू आर आई एस टी, जीलस का जे ई ए एल ओ यू एस, टूरिस्ट टी ओ यू आर आई एस टी। क्वेरल क्यू यू ए डबल आर ई एल, झगड़ा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फैरी, फैरी का मतलब होता है भड़कीला या अग्निशमय, मतलब अग्नि संबंधित कुछ होता है। फिर जोशीला, इसको फैरी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हुआ बाजार गया है पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वह बाजार गया है, ही हैज गोन टू मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। तुमने यह किससे कहा, पास्ट में है तो पास्ट में, तो हु के बाद सेड लगेगा, हु सेड दिस टू यू, तुमसे या किसने कहा, हु सेड दिस टू यू, ऑप्शन नंबर बी। तुमने गलती की है, यू हैव मेड ए मिस्टेक, या ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, यू हैव मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी। 56 की ओर चलते हैं। तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द बाल, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ आता है, पास्ट इंडिफिनिट, तो यहाँ पे लास्ट नाइट है तो साव आ जाएगा, ही साव ए गॉस्ट नाइट, ऑप्शन नंबर बी। कीप क्वाइट बी आर, आर इज एम आर के बाद बिफोर आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर पैसिव फॉर्म नहीं है तो बिफोर आएगा, तो ये सिंपल है। कीप क्वाइट बी आर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, ऑप्शन नंबर डी। फिर आइए द पोर्ट्रेट वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, अब यहाँ पे देखिए वाज हैंगिंग तो है नहीं, ठीक है, वाज के बाद डायरेक्ट हैंगिंग आएगा, नहीं तो भीतरी आएगा, तो वाज के बाद हैंगिंग तो है नहीं, खाली ओनली हैंगिंग तो है नहीं, तो हैंग्ड आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर रितेश, रितेश टुमारो है, टुमारो के साथ फ्यूचर आएगा, तो रितेश विल कम टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 से लेकर 60 तक के ग्रामर पोर्शन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। इसका बुक पोर्शन बहुत जल्द से जल्द मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको दिया है यहाँ पे ग्रामर पोर्शन का सही सही सॉल्यूशन। बुक पोर्शन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, बस तुरंत बुक पोर्शन भी अपलोड कर दिया जा रहा है। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। कल हिंदी पेपर के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तब भी आप
आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको 10 साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।